अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में मेरा मेकअप करने वाली है मेरी सिस्टर, जो कि मैं आपको उनका फेस नहीं बता सकती, बट देखेंगे कि उन्हें वो मुझ पर कैसा मेकअप करती हैं। मैं तो खुद से मेकअप करती हूँ, आपको पता होगा कि मैं आपके साथ काफ़ी सारे मेकअप लुक्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो कोई और है जो कि फर्स्ट टाइम मुझ पर मेकअप कर रहा है, लेट्स सी कि मेरी सिस्टर मुझ पर कैसा मेकअप करती हैं। तो ये होने वाला है बेसिकली, जैसे कि वैलेंटाइन आने वाला है 14 फेब को, तो लेट्स सी कि वो मेरा मेकअप कैसे करती हैं, वैलेंटाइन मेकअप लुक। मैंने यहाँ पर पहना है रेड कलर का ब्यूटीफुल सा टॉप, जो कि मैंने मीशो से परचेज किया है। तो इंट्रो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग चिट चैट करते हुए मेकअप लुक आपके साथ शेयर करेंगे, तो मेरी बहन की सिर्फ आवाज़ आएंगी एंड उसका हाथ चलेगा मेरे फेस के ऊपर। तो फर्स्ट मैं लगाने वाली हूँ प्राइमर। प्राइमर से पहले आपको लगाना होता है स्किन पर मॉइस्चराइजर। ओ सॉरी, मैं पहली बार कर रही हूँ ना, तो आई एम सो नर्वस। सो मैं यहाँ पर इन्हें लगाने वाली हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर। लगाने वाली हूँ पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र। वैसे तो इन्हें मॉइस्चराइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, क्योंकि ये डेली स्किन केयर करके सोते हैं। और मैं क्या ही बताऊँ, मेरी बहन को मेकअप करने नहीं आता, धीरे धीरे वो मेकअप करना सीख रही है, बट उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाया है। आपको मॉइस्चराइज़र लगाना होता है क्योंकि ये ब्लेंड होता है। लगाने वाली हूँ प्राइमर जो कि है ब्लू हेवन का, तो हम इसे थोड़ी क्वांटिटी में लेते हैं क्योंकि मैंने पॉन्ड्स का मॉइस्चराइजर कुछ ज़्यादा लगा दिया था। इतना काफ़ी है दी? बहुत ही कम लगाया मैंने ये, बिकॉज इनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जो ओपन पोर्स रहते हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर टी जोन एरियाज पर लगाते हैं, लाइक सो भी है। सॉरी ऑडियंस, प्लीज मुझे मेकअप मत सीखना, मैं छोटी हूँ अभी इनसे बहुत ज़्यादा, अभी मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। इट्स ओके, तो यहाँ पर हमारा ब्लू हेवन का प्राइमर डन हो गया है जैसे तैसे। मेकअप इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन, और जो कि है बहुत ज़्यादा, अब मैंने बहुत ज़्यादा लगाऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा इन्हें गोरा करना चाहती हूँ। नो, वैसा नहीं, मतलब दी आप हर चीज़ क्यों ऐसा नेगेटिव कर लेती हो। अब मैंने यहाँ पर एक रॉन्ग मार्क डालूंगी, ये जलने वालों के लिए है, नो एंट्री। ओके स्किन टोन से काफी मैचेबल शेड है 04 लैक्मे का, जो कि काफी ज्यादा अफोर्डेबल भी है, आप चाहे तो परचेज कर सकते हो। वैसे तो मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा मेकअप करने आता है, लेट्स सी। मैं भी मेरी सिस्टर ने तो ब्लेंडिंग काफी अच्छे से किया है, एंड आप देख सकते हो करीब से भी कि मेरा जो स्किन है काफी अच्छे से फ्लॉलेस लग रहा है। तो नेक्स्ट आप क्या यूज करोगे? अब मैं यूज करने वाली हूँ HD कंसीलर इनसाइड कॉस्मेटिक। ओके, सो ये है इनसाइड कॉस्मेटिक का HD कंसीलर इन द शेड 04। इसका सच छुपाते होते हैं, डार्क जोन में कोई भी पिगमेंटेशन नहीं है, फाउंडेशन से ही कवर हो जाता है फोरहेड पे, बट कंसीलर लगाने से आपकी जो स्किन है She don't know the makeup rules, तो उसने इस तरह से लगा दिया है। It's okay, ऐसे लगो या वैसे लगो, ब्लेंड होने के बाद स्किन अपनी सॉफ्ट ही लगेगी। आने वाली हूँ लैक्मे का कॉम्पैक्ट, जिससे हम मेकअप को सेट करें। ने मुझे पूरा व्हाइट व्हाइट बना दिया है, लाइक सो। या एकदम मेरी तरह। सो चलो नेक्स्ट करो कंटूरिंग, ब्लश एंड हाइलाइटर। 3-in-1 ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट है, जिसमें से मेरी बहन जो अब मुझे करने वाली है कंटूरिंग, लेट्स सी। कंटूरिंग मुझे बहुत अच्छे से आती है, लाइक दैट, नाइस। मुझे ज्यादा कंटूरिंग नहीं पसंद, ये ब्लश की जगह है, यहां है कंटूरिंग ना कान के एंड से। अभी उसके बाद मैं इन करने वाली हूँ ब्रश 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 से ब्लश ठीक है, ब्रश लेते हैं, उसके बाद हम इन्हें करते हैं हाइलाइटिंग। इनका हाइलाइटर बहुत ज़्यादा मस्त है। एक सबकी कर रही है मेकअप एंड वेलकम एब्रो किट,
उनके चेहरे में जान डाल देगा. डोंट सी यू ओपन, डोंट ओपन योर आईज आफ्टर आई एम डूइंग यू, डोंट ओपन योर आईज. ओके गया आपकी आईब्रो फिलिंग. रेड लिपस्टिक चाहिए और आई मेकअप में मुझे गोल्डन आई मेक आईज चाहिए. ओके सब ना कर दूं, आप ओपन मत कर. ओके बोलते जाओ करते जाओ फिर. वेयर इज द ग्लिटर आईलाइनर? इसमें से हमें कभी भी आई शेड ये साइड से यूज करना चाहिए बिकॉज मैक्स जैसा डिफिकल्ट होता है आई मेकअप भी वैसे डिफिकल्ट होता है. मैक्स भी वो साइड से यूज शुरू होता है और आई मेकअप भी. इन्होंने कहा है लाइट गोल्डन सो या थोड़ा सा शेड देंगे. इन्होंने कहा सिंपल इसीलिए मैं सिंपल सा ही करूँगी. What a makeup! I just love your makeup. Yeah, my makeup look is done with my sister. So. आप लोग कमेंट करके बताएगा कि मेरा मेकअप लुक कैसा लग रहा है. अगर मैं बताऊँ तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है. थोड़ा सा हाइलाइटर ज़्यादा हो गया है एंड आई शेड्स के थोड़े से फॉल आउट हैं. बेस मेकअप काफ़ी ज़्यादा प्यारा है एंड आईलाइनर के जो है इनर कॉर्नर्स पर गायब है जैसे आप देख सकते हो. एंड देन आईब्रोज में भी यूज़ किया है. तो ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है मेरा मेकअप लुक ज़रूर कमेंट कीजिएगा. क्या ये वाला मेकअप लुक मैं पहन कर बड़ी वैलेंटाइन डे मना सकती हूँ नहीं मना सकती वो भी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा. सो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है मेरी यंगर सिस्टर मेरा मेकअप लुक करने वाली है. लेट्स सी कि उनका मेकअप कैसा होता है. इसे आप कितना रेट करोगे आउट ऑफ 10 वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. मुझे देना होगा तो मैं दूँगी आउट ऑफ 10 8 मार्क्स. So that's it for this video. Hope you guys enjoyed this video. So till then, we'll see you next another video ke saath with my another sister. So bye.